आज का टॉपिक है क्या हम अपनी असफलता के लिए अपने माँ बाप या किसी दूसरे को कोस सकते हैं। सवाल उठेगा कि मैं इस टॉपिक पर आपसे क्यों बात कर रहा हूं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग अभी यंग हैं, किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैरियर कहीं ना कहीं कैरियर बनाना चाह रहे हो। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके साथ जुड़ी होंगी, जहां पे आप द्वंद में होंगे और हो सकता है उन चीजों के लिए आप किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, आपके पड़ोसी क्यों ना हो, आपके दोस्त क्यों ना हो। तो ये ब्लेम कर रहे होंगे कि मेरी असफलता या मैं कुछ ऐसा सोच रहा था ये नहीं हो पाया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ है, उन लोगों के कारण मैं ये नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आज बहुत ऊंचे पोस्ट पे होता, नहीं तो मैं आज विदेश चला गया होता, आज बहुत बड़ा कंपनी खड़ा कर लिया होता, आज मैं उससे शादी कर लिया होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप दूसरे पे ब्लेम करते हो, नहीं तो ये मैं ये कर लेता, ये एक दिमाग में मैसेज आता रहता है। आज इसी पे बात करेंगे। और ये मैं क्यों इस पे बात कर रहा हूं, सवाल उठता है ये। कुछ कम से कम 10 ऐसे बच्चों से मेरी बात होती है जो बिल्कुल यंगस्टर हैं, जो अभी अभी एग्जामिनेशन के अंदर कूदे हैं, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है, अब वो क्या कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने कभी इंग्लिश मीडियम में मुझे पढ़ाया नहीं, मैं एकदम गांव से बिलोंग करता हूं या करती हूं तो उस तरह का माहौल नहीं था। और कुछ ऐसे हैंडीकैप जिसको दिव्यांग कहते हैं, मैं नहीं मानता वो हैंडीकैप है, मेरे नजर में हैंडीकैप सिर्फ वही है जो दिमाग से हैंडीकैप है, और जो उसके अलावा हैंडीकैप है वो मतलब उसके अंदर वो अलग है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, हम लोगों से, बस यही है, सब काम वो भी करते हैं। तो बहुत सारे हैंडीकैप जो पोलियो के कारण विकलांग हो गए या बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं दोष देते हैं कि दो बूंद उनको बचपन में नहीं पिलाई गई। किसके द्वारा? तो माँ बाप के द्वारा। लोग ताना मारते हैं वो विकलांग है इसलिए, मान लो कि कोई ब्लाइंड है, आंख से अंधे हैं, तो उनके अंदर एक अलग घुटन है कि लोग ताना मारते हैं, ठीक है, और काश मेरे पास आंख होता, काश मेरे पास दो पैर होता। तो आप ये भी देखो ना कि अगर आप हैंडीकैप हो, दिव्यांग हो, विकलांग की जगह दिव्यांग वर्ड का यूज कर दिया गया है, अगर हो तो आप देखो कि आपकी कैटेगरीज में कितने लोग आगे बढ़ गए हैं, क्यों बढ़े, वहां इच्छा शक्ति है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये सारी चीजें मुझे मजबूर की कहीं ना कहीं आपके साथ इस पे बात करने के लिए कि आखिर हम अपनी असफलता को किस पर थोपे, खुद पर थोपे या किसी औरों पर। औरों में माँ बाप भी आएंगे, वो भी औरों की ही कैटेगरीज में आएंगे, क्योंकि जब आप असफल होगे, जब आपकी असफलता चरम पे होगी किसी कारण से, तो औरों की कैटेगरी में वो भी आएंगे, क्योंकि वो भी आप पे ही दोषारोपण कर रहे होंगे। बहुत बार ऐसा होता है, ये एक कटु सत्य है, इसको मान के चलना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि कैसे हम लोग खुद को बचा लेते हैं, कैसे हम लोग खुद को बचा के अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर मट देते हैं। देखो कैसे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अब मैच्योर्ड हो गए, मान लेता हूं मैं आप 14-15 साल के हो गए, आप नौकरी करना नहीं चाहते हो, आप मान लो खेल की तरफ जाना चाहते हो, आपके अंदर आर्ट पेंटिंग करने का कला है, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, ठीक है, तो आप इस फील्ड में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कारणों से, जैसे आप अगर इस मामले में आप सजेशन लेने जाओ तो 99.9% लोग, जिसमें हर कोई आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके रिलेटिव्स सब होंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो गलत है, कहीं ना कहीं तुम्हारा कैरियर गलत दिशा में जा रहा है, तुम डूब जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो बात, कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम डूब जाओगे, तुमको नौकरी पे ध्यान देना चाहिए, जबकि आपका नेचर ही नहीं है ऐसा, आपका नेचर ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, आप दबाव में आके कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगते हो, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगते हो, आपका इंटरेस्ट है नहीं, फिर भी आपको नौकरी करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी चलता है, और जब भी कोई हो सकता है आपके आसपास से कोई ऐसा लड़का हो जो निकल जाए, मान लो क्लिक कर जाए संगीत की दुनिया में, क्योंकि आप फेमस होना चाहते हो, सिंपल बात है, आप फेमस होना चाहते हो, नौकरी करके आप फेमस उस तरह से नहीं हो सकते, अगर कोई निकल जाए बाई चांस, तो जिंदगी भर आप अपने आप को कोसते रहोगे और खुद को कभी ब्लेम नहीं करोगे, जबकि सारी गलती आपकी ही है, खुद को ब्लेम नहीं करोगे, आप कहोगे अरे मेरे माँ बाप ने करने नहीं दिया, अरे मेरे रिलेटिव ने, मेरे पड़ोसी ने, मेरे दोस्तों ने मुझे करने नहीं दिया, उन्होंने ऐसा सजेशन दिया। आपकी जिंदगी है और आपको फैसला लेना है, क्योंकि आगे का जो आप जो आज फैसला लोगे वो आपके आगे के फ्यूचर का निर्धारण करता है, आपका जो फ्यूचर है
वो आपके एक फैसले पे डिपेंड करता है, और ये फैसला अक्सर हाँ हमारे अंदर इच्छा नहीं। मान लो एक मिनट के लिए मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं उन लड़कों से मिलता हूं, ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं जो रियल में इन चीजों को फेस करते हैं। बहुत बार ये होता है कि आप मान लो एक मिनट के लिए आप कभी बाहर जाना चाहते हो, सिंपल सा बात है, आप कोई और नौकरी करना चाहते हो, मान लो आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, आपके घर वाले आपको उस लायक नहीं समझते हैं, उनका आपके ऊपर दबाव होता है कि नहीं अगर तुम आईएएस की तैयारी करोगे तो मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, महीने का खर्च नहीं दूंगा, अगर तुम कलर की तैयारी करोगे तो मैं तुमको खर्च दूंगा क्योंकि तुम कलर के लायक हो। लेकिन आपका आपके अंदर आप नहीं चाहते कि आप कलर की तैयारी करें, आप नहीं चाहते कि आप ग्रुप डी की तैयारी करें, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपके पास आप उस समय कमा नहीं सकते, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आपके मां बाप के पास है, तो आप मजबूर होके क्या करते हो, आप कलर की तैयारी करने लगते हो और एक घुटन भरी जिंदगी जीते हो, उसमें घुटते रहते हो। ये नहीं करना, आप यंगस्टर हो, आप मतलब आप एनर्जी से लबालब हो, आप छोटी छोटी चीजों के से अगर दब जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे आप, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे और आगे क्या होगा, अगर यही नेचर है तो आगे क्या होगा, आप कलर्क बन जाओगे, ठीक है कलर्क बन गए आप, शादी ब्याह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आप फिर उसी में रह जाओगे, और कोई हो सकता है हो या ना हो, ठीक है कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, ऐसे भी बच्चे हैं। इस बार जो मैं एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हूं 64th का, इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके कलीग्स आईएएस आईपीएस बन गए, इस कारण वो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप बात को समझो, और वो पहले से तैयारी करना चाहते थे लेकिन खुश थे, लेकिन जैसे ही उनके कलीग्स आईएएस आईपीएस बन गए अब उनको भी लग रहा है कि नहीं मुझे भी बनना चाहिए था, ये तो बन गया, ये तो मेरे ही टाइप का था, क्या हुआ अब उनकी घुटन भरी जिंदगी शुरू हो गई, इन्होंने क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही फैसला गलत लिया था। आप एनर्जेटिक हो, आप 4,000 रुपए 5,000 रुपए अरेंज नहीं कर सकते, ट्यूशन पढ़ा के कर लो, कहीं नौकरी कर लो, पार्ट टाइम जॉब करके कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप उस छोटे से पैसे के दबाव में आप झुक गए और पूरी जिंदगी को एक गलत फैसले के कारण बर्बाद कर दिया एक तरह से। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी जॉब से खुश नहीं हो तो बेकार है आपका नौकरी करना, बेकार है आपका नौकरी करना, और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है आप किसी पे चीजों को ना थोप के अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, अपनी डिसीजन मेकिंग क्षमता को बढ़ाओ, कोई भी निर्णय लेने के पहले आप सोचो कि क्या ये सही है गलत है, और अगर आपको लगता है और आप कैपेबल हो, अगर कैपेबल नहीं हो तब सजेशन लो, सजेशन लेने के बाद उसको अपने अनुरूप ढालो, और आपको लगता है कि नहीं ये ही राइट डिसीजन है तब आप कन्विंस करो लोगों को, क्योंकि आप क्योंकि मैं सिंपल सी बात है ना, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर मान लो एक मिनट के लिए आपके अंदर खेलने का जुनून है और आपको पढ़ने में लगा दिया जाए, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे, सचिन तेंदुलकर आईएएस नहीं बन सकता था, वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता था, इसीलिए वो प्लेयर, अगर उनको आईएएस की तैयारी करवाई जाती तो वो आज एक अच्छा प्लेयर नहीं होते। इस आपके अंदर बिजनेसमैन बनने का हुनर होगा, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो और आपको नौकरी के अंदर झोंक दिया जाए तो क्या हुआ, आपका वो स्किल चला गया। तो ये आपको समझना है कि आप क्या करना चाहते हो। जिंदगी में बहुत बार ऐसी छोटी बड़ी उतार चढ़ाव आएगी जिसके कारण आपको अपने फैसले को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप देखें कि वो परिस्थिति कैसी है, क्या वो परिस्थिति इतनी हावी है कि मुझे फैसला को हर हाल में चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस बचता है कि आप अपने फैसले के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, भले आपको अथक मेहनत करना पड़े, एक अलग लेवल पे जाके मेहनत करना पड़े, तो आप अपने फैसले के साथ कंटिन्यू करो। वहां पे आप ये नहीं कल को कहना, कल को ना खुद को कोसना ना किसी और को कोसना, मैंने अपना ये फैसला उस आदमी के कारण लिया, अपने माँ बाप के कारण, रिलेटिव के कारण, दोस्तों के कारण लिया, ये नहीं कभी कहना, क्योंकि हर एक आपके अलावा हर एक दूसरा है, चाहे वो कोई भी हो। आपने सुना होगा कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो दुख में कोई नहीं है। अगर आपके फैसले से गलत कुछ निकल के आ जाता है तो पूरा का पूरा आपके ऊपर ब्लेम जाएगा, लेकिन अगर आपके उसी फैसले के साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो जिन लोगों ने विरोध डायरेक्ट नहीं किया था वो कहेंगे देखो मैं भी इसके इस फैसले में सपोर्ट कर रहा था। जिन्होंने डायरेक्ट विरोध नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो कहेंगे देखो मैं सपोर्ट में था और ये लड़के ने क्लिक कर दिया, ये लड़की निकाल के ले गई, इसको स्पोर्ट्स में ही जाना चाहिए था, मुझे पहले से ही दिख रहा था, लेकिन
बहुत बार ऐसा होता है कि आपका डिसीजन फ्लॉप कर सकता है, कर गया तो कर गया, कोई बात नहीं, फिर आगे जिससे, अरे हम इंसान हैं, हम ना भगवान हैं ना जानवर हैं, हम ना भगवान हैं और ना जानवर हैं, हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से होती है, बहुत बार डिसीजन लेने में गलतियां हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं है, गिरने के कारण चलना नहीं छोड़ना है, गिरने के कारण चलना नहीं छोड़ना है। और मेरा मैसेज मेरे इस वीडियो का जो मेन मैसेज ये है कि आपने अगर अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अगर अपने इच्छा के अकॉर्डिंग किसी चीज को चुना है, किसी चीज को समझा है जो सही में सही है, जो सही में सही है, और अगर आपको कंफ्यूजन है कि वो सही है गलत है, तब आप जिस पे भरोसा करते हो उसके साथ डिस्कशन करो, और तब लगता है कि नहीं आपने जो चुना है वो सही है, तब लाख बाधा आए, लाख कोई कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, मैं बार बार कहता हूं कोई में हर कोई आएगा, आपके अलावा, आपके अलावा हर कोई उस कोई के कैटेगरीज में शामिल है, कोई कुछ कहे, आप अपने लक्ष्य पे पूरी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, उसके साथ आप बहुत तूफानी स्पीड में आगे बढ़ो, कोई नहीं रोकेगा। स्टार्टिंग में हमेशा पैर खींचते हैं लोग, हमेशा पैर खींचते हैं, लेकिन जब आप एक ऊंचाई, एक लेवल पे चले जाओगे तो वही लोग फिर आपको सपोर्ट करने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी औकात नहीं रही आपकी पैर खींचने की। चील के बारे में मैंने सुना है कि जब बारिश होती है तो हम इंसान या चिड़िया, जानवर जो भी है, वो भागने लगते हैं, कहां पे, जहां बारिश नहीं होगी वहां जाके छिप जाते हैं। और चील क्या करता है, चील अपनी क्या, अपनी उड़ान की ऊंचाई को बढ़ा देता है और उस बादल के ऊपर चला जाता है, समझो बात को, उस बादल के ऊपर चला जाता है वो। तो आपको उस बादल के ऊपर जाना है, यानी इतना ऊंचा जाना है कि नीचे से कोई पत्थर मारे तो आप तक ना पहुंचे। तो क्या किया उसने, उसने छुपने की जगह नहीं ढूंढी, अपनी ऊंचाइयों को ही बढ़ा दिया और वो बादल के ऊपर चला गया। अब वो बादल के ऊपर तैर रहा है, बारिश तो नीचे हो रही है, तो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। और उस लेवल पे जाने के लिए स्टार्टिंग में हर एक को समस्या होती है, हर एक को प्रॉब्लम हुई है, आज जो भी सक्सेस किए हैं सबको प्रॉब्लम हुई है। और अगर आप लीक से हटके काम करते हो, कभी भी लीक से हटके, क्योंकि हमारे यहां ट्रेडिशन है, हमारे यहां ट्रेडिशन यही है कि आप बड़े हो गए, आपको पढ़ाया जाएगा, आपसे नौकरी करवाई जाएगी, आपकी शादी करवाई जाएगी, बच्चे होंगे, फिर आप उस बच्चे के लिए कमाओगे और आपकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आप जैसे ही लीक से हटके काम करोगे, अगर आप कहोगे नहीं मैं म्यूजिशियन बनूंगा, वो भी स्ट्रीट म्यूजिशियन, मतलब कि आप म्यूजिशियन तो बनना चाहते हो लेकिन फेमस नहीं होना चाहते, आप स्ट्रीट पे बजाना चाहते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। और पैसे कमाने के बहुत तरीके, पैसे कमाने के लिए बहुत तरीके, नौकरी ही वो तरीका नहीं है, ये इम्पोज कर दिया गया हमारे दिमाग पे, हमारे सोसाइटी के द्वारा, हमारे अपने लोगों के द्वारा। बस अब ये मैं खत्म करूंगा, इतना ही, अगर समझदार हो तो इतना ही में आप समझ जाओगे कि जो भी डिसीजन आपको करना है अपने लाइफ के लिए, लाइफ का डिसीजन खुद लो, लाइफ का डिसीजन खुद लो, ताकि आप कल होके किसी को ब्लेम ना कर सको, क्योंकि दूसरे को जब ब्लेम करोगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। और अगर बाय चांस कोई गलती होती है आपके डिसीजन के, आपके खुद के डिसीजन के कारण, तो उतनी कष्ट नहीं होगी, आप तुरंत डिसीजन चेंज करोगे, कुछ ना कुछ और कर लोगे। और कभी भी लोगों की बातों में मत आओ, लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे, आप अच्छा भी करोगे तो उसके अंदर एक नुक्स निकाल देंगे, तो ये नहीं करना। और बस आप अपनी सोच, अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना लाइफ, अपने लाइफ का डिसीजन ले आप, और कोशिश करें कि जो डिसीजन आपने लिया हो वो सही हो, और उस पर बहुत ही एकदम तूफानी स्पीड में, मजबूती के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप उस पर आगे बढ़ते जाएं। सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, और हो सकता है ना मिले तो तुरंत फिर कोई नया डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो मेरी डिसीजन है ना, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, यही कहना था मुझे। और कोई और में हर कोई आता है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए कभी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करो, खुद को ब्लेम करोगे तो बहुत आगे तक आप जाओगे, यही मैसेज कहना था। और जो भी लोग, आज तक जितने भी लोगों ने मुझसे इस बारे में बहुत कुछ पूछा है या जो आगे भी पूछेंगे, उनके लिए ये वीडियो एक मैसेज है। और इसके अलावा भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता हो तो कॉल तो आप कर ही सकते हो कभी भी।